इसको भी, ये सारी हेरा फेरी ना इन्हीं तीनों की हुई। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है? तो मेरे रिश्तेदार बात करते हुए तुम्हें ना निकालती, करते हुए तो थोड़ा अजीब हो रहा है, लेकिन अभी हीला को अगर इस घर से किसी को निकालना होता, अभी भाई और फराज भाई को कारोबारी मामलात से, मान लेता हूँ कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है, बेदखल करना होगा आपको। और आप ये जो आपका जमशेद कारोबार में होने वाली सारी हेरा फेरी का जिम्मेदार खावर फराज और हबीब को ठहराता है और समीना से कहता है अगर कारोबार को बचाना चाहती हैं तो इन सबको निकालना होगा। राहिला किसी तरह से इन्हीं को बीच में से निकालना चाहती है और आयशा ये बात हबीब को बताती है, लेकिन हबीब कहते हैं भला राहिला को किसी और को निकालने की क्या जरूरत, अगर उसको किसी को निकालना होता तो वो तुम होती। क्या हबीब एक बार फिर जलील होकर कारोबार से अलग होने वाला है? क्या समीना खावर और फराज के साथ भी वही करेगी जो जमशेद ने उसे मशवरा दिया है? क्योंकि जमशेद ने इस कारोबार में पैसे लगाए हैं और उसे लगता है कि उसका सारा पैसा डूबने वाला है। आखिर आयशा को ऐसा क्यों लगता है कि राहिला एनी और फायजा को किसी तरह से घर से निकालना चाहती है? क्या करेगी समीना, क्या फैसला होगा उसका? देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।